बहुत कुछ कहा उसने। कहने लगा अपने प्यार के साथ नाराज होना, डांट देना, झगड़ा करना, पर अक्यूज मत कर। ये तो सर कि उसने भी कभी अपने प्यार को अक्यूज किया था और उसका प्यार बहुत दूर चला गया और कभी वापस नहीं आया। मिस क्राइंग, इससे पहले तो कभी उसे ऐसे नहीं देखा। कहने लगा जिस इंसान से तुम प्यार करते हो उसकी हमेशा इज्जत करो, भरोसा करो, ऐसे चाहो जैसे तुम्हारी जान उसकी जान में बसती हो। अगर उसे चोट लगे तो तुम्हारी जान निकल जाए। He was drunk. और पीने के बाद इंसान झूठ नहीं बोलता। मुझे लगता है उसके और इसकी वाइफ तनु के बीच में अचानक से कोई बड़ा झगड़ा हो गया। लेकिन कल तक तो he was acting like a very happy couple. हो सकता है प्रिटेंड कर रहा हो, हो सकता है उनके बीच में कभी प्यार हो ही ना। एक बार तो मुझे लगा कि वो किसी और की बात कर रहा था, someone else. लेकिन पुराना रिलेशनशिप तो बहुत सालों पहले खत्म हो गया होगा। पर कोई भी इंसान इतने सालों में सब कुछ भूल जाएगा, but he still remembers and he cries. बहुत प्यार करता होगा उससे। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए। मैं क्यों? Because you're the most sorted person in the world, Pragya. तुमसे सुलझा हुआ इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर तुम मुझे सुधार सकती हो, सही रास्ता दिखा सकती हो, तो फिर वो तो अभी एक emotionally broken soul है। He needs someone's help right now. You know, मैं गाना गा सकता हूँ, परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, हजार लोगों के सामने स्टेज पर जा सकता हूँ, बट मुझे मेरे खुद के इमोशंस का हिसाब नहीं है, सो आई डोंट थिंक आई कैन हेल्प हिम। और तुम जब उसे समझाओगी कोई ना कोई अच्छी बात निकल के आएगी उसमें। आई एम श्योर यू कैन हेल्प। ओह वर्मा स्माइल, एक्सक्यूज मी। बेंगलोर वाली फैक्ट्री में आग लग गई। क्या? निकलना पड़ेगा। तुझे पता है कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा? वो फैक्ट्री तो पहले ही कुछ प्रॉफिट नहीं दे रही, इनफैक्ट लॉस में ही चल रही है, और अगर ये नुकसान हो गया तो हम लोग उभर नहीं पाएंगे।
देख वहाँ कोई संभालने वाला भी नहीं है, हम लोगों को अब भी निकलना पड़ेगा, और तू मेरे साथ चल, मैं अकेला हैंडल नहीं कर पाऊंगा। हेलो, हाँ, दो फ्लाइट अभी बुक करो बैंगलोर के, जो भी पहली फ्लाइट मिले हम अभी निकल रहे हैं। हाँ वाली ना तू मेरी बात, तू अभी की अभी मेरे साथ चल अपने पापा के पास, उन्हें बोल कर ना मैं तुझे आज की आज वापस हॉस्टल भिजवाती हूँ। नहीं मम्मा प्लीज, मुझे नहीं चाहता, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे शादी करूंगी। और रहेगी कहाँ? मैं उसी के साथ रहूंगी और मैं किसी के साथ नहीं रह सकती। प्लीज अंडरस्टैंड। बेटा तू बच्ची है, तुझे जिंदगी की असलियत नहीं पता है, जिंदगी इस तरह नहीं जी जाती है, समझी? तू तू चल मेरे साथ। नहीं मम्मा प्लीज, प्लीज प्लीज, मैं नहीं सुनने वाली तेरी, तू चल मेरे साथ। दरवाजा खोल बेटा। मैं अपना फोन गाड़ी में कैसे भूल गया? किंग की कार? किंग यहाँ क्या कर रहा है? रोबी ठीक नेहा के रूम के नीचे, अगर ये यहाँ पर आया था तो हमसे मिलने क्यों नहीं आया? तुम? हाँ मैं तरुण। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली हमारी फैमिली फंक्शन थी, उसका इनविटेशन कार्ड देने के लिए आया था। कमाल है, अगर किंग को इनवाइट करना था तो वो स्कूल में भी बता सकता था। बट एनीवेज लाओ कार्ड मुझे दे दो। कार्ड? क्या हुआ? वो शायद मैं इनविटेशन कार्ड घर पे भूल गया। लगता है तुम किसी के प्यार में हो। नेहा कहाँ रह गई तुम? इसलिए तुम्हारा ध्यान काम में नहीं, उस लड़की में। वैसे डोंट वरी, मैं ये बात किंग से नहीं कहूंगा जब तक तुम नहीं बताओगे तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ। टेक केयर। लड़के वाले कहाँ चले गए? उनकी छोड़ो, ये नेहा का दरवाजा ऐसे बंद क्यों है? चल क्या रहा है? नेहा क्यों, क्या रहा है? नेहा ही हुई क्या? हाँ। मिताली भाभी चिल्ला क्यों रही? पता नहीं, मैं भी बाहर था, चल चल के देखते हैं। तूने दरवाजा क्यों बंद करके रखा है? नेहा, नेहा प्लीज दरवाजा खोल। मिताली क्या हो गया बेटा? दासी, नेहा ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, कहीं कुछ करने ले वो। नहीं कुछ नहीं होगा। अभी क्या हो गया? क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसे क्यों बंद कर लिया उसने अपने आप को? पता नहीं आलिया, बोल भी नहीं रही है। नेहा, नेहा क्या हुआ? बात अभी देखो ना, नेहा ने अपने आप को अंदर से बंद करके रखा, कहीं वो कुछ कर ना ले, तुम समझाओ उसे। मम्मी बात मानेगी? शांत हो जाइए, आप शांत। एक सेकंड मैं बात करती हूँ। नेहा, नेहा इट्स मी, तुम्हें पता है तुम मुझसे कभी भी बात कर सकती हो। नेहा बबली नेहा, देखो बेटा शादी के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा तुम्हें, प्लीज बाहर आ जाओ। शादी? वो एक्चुअली लड़के वाले देखने आए थे, उसे
उसने मुंह पे मना कर दिया। कोई उम्र है शादी करवाने की? भाभी आप नेहा दरवाजा खोलो, मैं हूँ अभी। नेहा कोई शादी के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, तुम दरवाजा तो खोलो। नेहा दरवाजा खोलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जस्ट ओपन द डोर। नेहा तुम दरवाजा खोल रही हो या मैं दरवाजा तोड़ू? तोड़ दो अभी दरवाजा तोड़ दो। नेहा मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, आप सब लोग पीछे हटिए। नेहा अगर तुम दरवाजे के पास हो तो पीछे हट जाना। नेहा बेटा तू कहाँ गई? कहीं कुछ कर तो नहीं लिया इसने? सिल्वर रंग था उसकी गाड़ी का। लेकिन वो कार तो किंग की है। नहीं नहीं पूरब, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वो किंग की नहीं तरुण की गाड़ी थी। अभी मैंने उसे पहले भी देखा है। तुम यहाँ थे, तुम्हारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम गए थे, वो तरुण वहाँ पर भी था। वो वहाँ था, मैं उसे कुछ बोलना चाहती थी पर रुक गई। सोचा कि इतनी बड़ी दुनिया है, मैं उसे कहाँ जाने से रोक सकती हूँ? वो कहीं भी आ जा सकता है। मुझे नहीं पता था कि वो हमारे घर तक पहुँच जाएगा और हमारी बेटी को। पता है मैंने नेहा को हम लोगों के पास इसीलिए हॉस्टल भेजा था कि वो तरुण से दूर रहेगी तो उसे भूल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी वो उसे भगा कर ले गया, वो उसे भगा कर ले गया। अभी कुछ करो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को ले आओ, मेरे पास ले आओ। अभी वो तरुण किंग का भाई है, उसका काम संभालता है। किंग का भाई? तो अभी तुम किंग के घर जाओ ना, तरुण उसे उसके घर ले गया होगा। तूने मुझे बताया कि नहीं कि तरुण ये सब? यार मुझे भी कहां पता था, मुझे भी तो अभी पता चला है। अभी एक्चुअली ये बात सिर्फ मुझे, राजको और मम्मी जी को पता थी। अभी तुम समझो ना, मैं माँ हूँ नेहा की, अपनी बेटी की बदनामी नहीं होने देना चाहती थी, तो सोचा कि शादी करा दूँ उसकी तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाय रब्बा, अब सारे जमाने को पता चल जाएगा और अगर ये बात मीडिया में चली गई तो बहुत बदनामी होगी। लोग बातें करेंगे कि इतने बड़े घर की लड़की लड़के के साथ भाग गई। दासी वो भागी नहीं है, वो भगाई गई है। वो तरुण, उसी ने उसे भगाया है। हमारी बेटी का दिमाग खराब कर दिया उसने, नेहा का दिमाग खराब कर दिया, हमारे खिलाफ भड़का दिया, इसीलिए चली गई उसके साथ। अभी वो तरुण उसे जरूर किंग के घर लेकर गया होगा। तुम जाओ ना, तुम जाओ उसे वापस लेकर आओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज नेहा को वापस ले आओ, कुछ भी करके नेहा को वापस ले आओ, मेरी बच्ची को वापस ले आओ। अभी आप शांत हो जाइए। वो किंग के लेकर गया होगा उसे, मैं संभालूंगा, आप शांत हो जाइए। और इस घर में नेहा की शादी की कोई बात नहीं होगी, उसकी उम्र नहीं है शादी करने की। अभी मैं भी चलता। तू फैमिली के साथ रुक, मैं देख कर। नासी, नेहा मेरी बच्ची है, वो बहुत छोटी है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, प्लीज उसे वापस ले आइए, प्लीज। क्या बात है, प्रज्ञा अभी की लव स्टोरी में किंग के भाई और अभी की भतीजी की लव स्टोरी, क्या ट्विस्ट है।
कहाँ है वो? कौन? हेलो, सुनिए, सुनिए, आप ऐसे कैसे चले आ रहे हैं अंदर? किसे ढूंढ रहे हैं आप? मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा, वो डरी होगी इसलिए कहीं चुप गई है। अरे कौन डरी हुई होगी, कहाँ चुप गई, कौन? फिर मत कीजिए, हमारे बीच की बात है। ऐसे कैसे? अरे अरे सुनो तो, ऐसे कैसे अंदर चल जा रहे? अरे मुझे बताओ तो। अब समझी ये किसे ढूंढ रहा है, पर किंग समझ नहीं पा रहा उसकी वाइफ प्रज्ञा किस हद तक उतर आई है। ये दोनों आज फिर वही खेल खेलेंगे जो उस दिन खेल रहे थे। ठीक, पर इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। अभी फोन करके बताती हूँ किंग को सब कि उसके घर में उसकी पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है। रंगे हाथों प्रज्ञा को पकड़ेगा तभी बात समझ में आएगी उसके। प्याज कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ है वो? उफ! शिट! नॉन तुम्हारा हाथ, तुम करती क्या हो? आइस का है? मैं ठीक हूँ। अरे क्या ठीक हो, तुम्हारा हाथ पूरा जल गया। तुम ना ध्यान क्यों नहीं रखती हो अपना? आओ आप ऐसे अचानक आए, मैं डर गई इसलिए तेल से जल गया। जल गया मतलब ध्यान नहीं? चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। प्रज्ञा जो कुछ भी करती है ना, आप उसे क्वेश्चन मत कीजिए, आप बस उसे सपोर्ट कीजिए। प्यार और भरोसा उसी को देना चाहिए जिसके वो काबिल हो। प्रज्ञा की नजरों में तुम्हारे भरोसे की कोई कीमत नहीं है किंग। मैंने कहा तो तुमने माना नहीं, पर जब अपनी आंखों से सब देखोगे तब तुम्हें यकीन होगा कि प्रज्ञा तुम्हारे हिस्से का प्यार किसे दे रही है। इस बार मैं तुम्हें समझाऊंगी नहीं किंग, सिर्फ दिखाऊंगी। आज इनका रंगे हाथों पकड़े जाना बहुत जरूरी है। थैंक यू।
थैंक यू बोलने की आदत के बदले ना अपना ध्यान रखने की आदत डालो। तो आपने बताया नहीं, आप अचानक क्या? अब वो तरुण का है। तरुण मिस्टर सिंह के साथ होगा किसी मीटिंग में। अरे नहीं, वो बबली को लेकर भाग गया। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि तरुण और बबली अब क्या? एक्चुअली पूरब और मैं किसी कॉन्सर्ट से बाहर गए थे। हमारे पीछे मिथाली भाभी ने तरुण और नेहा को एक साथ देख लिया और उन्हें पता चल गया कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और इसी वजह से मिताली भाभी ने नेहा को हॉस्टल भेजा था, जिस बारे में सिर्फ राज भैया, ताई जी, ताऊ जी को पता। इनफैक्ट इसी वजह से मिताली भाभी नेहा की शादी करवाना चाहते थे, और उसे देखने के लिए एक फैमिली भी घर पर आई थी। इस बारे में तरुण को पता चल गया और वो बबली को भगा कर ले गया। तुम्हें इस बारे में नहीं पता? तरुण की मॉम को पता होगा, उनसे ही पूछ। मैं बात करती हूँ। अरे गैस, किंग फोन क्यों नहीं उठा रहा है? भगवान, ऐसा कैसे कोई कर सकता है? इतनी बेशर्मी, बाहर से घर में आकर खुलेआम रोमांस। उस दिन जी नहीं भरा था तो आज फिर चलाया। किस हद तक गिरेंगे ये लोग? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो तर... मिस्टर सिंह कहाँ है? वो जहां पर भी है घर पर नहीं है। और तुम्हें क्या चाहिए था? ऐसे क्या देख रही हो मुझे, जैसे मुझे कुछ पता नहीं? ये अभिषेक घर पर क्यों आया? क्या कर रहा है यहाँ पर? हाँ ठीक है तुम्हारा? हाँ ठीक है। ध्यान कहीं और ही होगा तुम्हारा, काम पर होता तो ऐसा नहीं होता। नहीं, वो मैं कुछ सोच रही थी तो गलती से गिर गया। तो गिर गया या गिराया गया? पता चला? आपको तो पता ही होगा। मुझे सब पता है। मुझे पता था आपको पता है। मैंने इसी भी बताया था कि आपको पता है। किंग को भी पता होगा। किंग को कैसे पता होगा? उसे पता होता तो चुपचाप बैठता, कुछ ना कुछ जरूर करता ना वो। और करने के लिए बाकी क्या रह गया? पता था इसलिए उसने होने दिया। अरे तुम क्या बोले जा रहे हो? मतलब किंग को पता है सब कुछ और वो जानबूझ के ये सब कुछ होने दे रहा है? एक बात कान खोलकर सुन लो, किंग ना कुछ गलत करता है और ना कुछ होने देता है, समझे तुम? कम से कम आप मान तो गए कि ये गलत हो रहा है। अरे एक मिनट, किसी से भी पूछोगे तो उसको पता होगा कि ये गलत हो रहा है। अच्छी जी, आपको पता? कम से कम आपको सब कुछ पता तो है, और आप ये भी मानती है कि ये सब कुछ गलत है, तो आप ही बता दीजिए कि नेहा और तरुण है कहाँ? आप चुप क्यों हुई? बताइए कहाँ है नेहा और तरुण? तुम लोग नेहा और तरुण की बात कर? ऑफ कोर्स। मम्मा बहुत गुस्से में होंगे, पता नहीं अभी क्या कर रही होंगी। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, बट तुम्हारी फैमिली से दूर जा रहे हैं। हाँ लेकिन कहाँ? हम छुपेंगे कहाँ? मेरी फैमिली हमें ढूंढ रही होगी। आई थिंक हमें किंग भैया के पास जाना चाहिए, वो हमारी मदद करेंगे। हाँ ये तो उन्हीं की कार है। Oh my God, अब क्या करें? मेरे शख्स को तो बहुत गुस्सा आता है, और जब आता है वो नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा है। एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे? पता नहीं, वो देख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ से चलते हैं। चुप हो जा मिताली। क्या चुप हो जाओ दासी, बोलिए ना कैसे चुप हो जाओ? नेहा मेरी बेटी है और वो घर छोड़कर चली गई है। देख, नेहा हमारी भी बेटी है, ये दुख तेरे अकेले का नहीं है, हम सबका है। भाभी, भाभी पानी पीजिए।
मैं कर रही हूँ वहाँ सबके सामने तुमने ही मेरा हाथ रोका था ना जब मैं उसके ऊपर हाथ उठा रही थी मैं उसे समझाने जा रही थी तब भी तुमने मुझे रोका रोक रही थी दिशा इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें पता था ना दिशा कि वो भागने जा रही है हाँ मुझे रोक रही थी तुमने मेरा हाथ रोक दिया था नहीं नहीं भाभी मैं क्या नहीं तुम उसे बढ़ावा दे रही थी ये उसके दिमाग में डाल रही थी कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है और वो जो सोच रही है वो सही है उसे भाग जाना चाहिए मेरा हाथ रोक कर तुम यही साबित कर रही थी ना मिताली चुप हो जा कुछ भी बोली जा रही है अरे क्यों चुप हो जाओ उदासी आप ही सोचिए कि आज तक हमारे परिवार में ऐसा कुछ हुआ है कि लड़की किसी लड़के के साथ में भाग गई हो लेकिन आज हुआ है वो भी इस लड़की की वजह से पता है क्यों क्योंकि हम इसके परिवार के यहाँ रिश्ता लेकर नहीं गए थे ये आई थी हमारे यहाँ भाग कर बस कुछ भी बोले चली जा रही है नेहा अगर तेरी बेटी है तो वो भी किसी की बेटी है पत्नी है वो हमारे पूरब की वो अगर चुप है तो तू कुछ भी बोलेगी अरे हमें भी चिंता है तेरी बेटी की हमें भी दुख है उसका हम सब तेरे अपने हैं मिताली मुझे पता है दासी आपको चिंता है क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो मेरा परिवार हो लेकिन ये मेरा परिवार थोड़ी मुंह बंद कर क्या बोले जा रही है तुम सच बोल रही हूँ उदासी और सच हमेशा कड़वा होता है मैं यहाँ पर खड़े होकर अभी का रास्ता नहीं देख सकती मेरी बेटी घर से बाहर है इससे पहले कि कुछ और बुरा हो उसके साथ मुझे कुछ करना होगा क्या करने वाली है तू जो भी करने वाली हो ना आने वाले वक्त में आप लोगों को पता चल जाएगा मिताली अच्छा नेहा तुम्हारी भतीजी है अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है हाँ गलती तो मेरी है मुझे समझ जाना चाहिए था कि ऐसी लड़की किसके घर की होगी माइंड योर लैंग्वेज गायब दोनों हैं आप बस बता दीजिए कि वो दोनों हैं कहाँ देखो इसमें तरुण की कोई गलती नहीं गलती नेहा की है मुझे वो लड़की शुरू से पसंद नहीं थी तरुण को मैंने 10 बार समझाया कि ये लड़की ठीक नहीं है उसके लायक नहीं है बल्कि वो किसी के लायक भी नहीं है चाची जी प्लीज आप इनकी भतीजी के बारे में बात करिए अरे और वो किसी ऐसे वैसे घर से नहीं है वो मेरी भतीजी है जो भी बोलिए ना सोच समझ कर बोलिए क्या बोली जा रही है वो हमारे नेहा के बारे में बोल रही है पब्लिक के बारे में हमारी नेहा पता है आप ये सब क्या कर रही है हवा की बातें करके ना टाइम वेस्ट कर रही है आपको पता है नेहा और तरुण है कहाँ पता दीजिए वो दोनों कहाँ है शांत हो जाइए ना मैं तरुण को जाके फोन करती हूँ प्लीज और सुनो मिस्टर यहाँ आकर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं जाकर अपने घर पर चिल्लाओ नेहा की माँ के सामने वो जो कुछ भी लगती है तुम्हारी अगर उसने अपनी बेटी को संस्कार सही दिए होते ना तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता और तुम्हारी भतीजी तुम्हारे घर आपको हमारे संस्कार जानने की कोई जरूरत नहीं आप बस इतना जान लीजिए कि अगर मुझे इस सब के बारे में पहले से पता होता ना तो ये सब होने नहीं देता तरुण को नेहा का साथ नहीं देना चाहिए था अच्छा तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हाँ तरुण की कोई गलती नहीं इसमें सारी गलती नेहा की है वो आया था मेरे घर के नीचे नेहा को गाड़ी में ले जाने के लिए तरुण अपने आप आ ही नहीं सकता उसको जरूर फोन करके बुलाया गया होगा और एक बात और बताओ मिस्टर तुम ऊपर से उसको देख रहे थे वेट करते हुए तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं रोका क्यों नहीं या इंतजार करे थे उन दोनों के भागने का मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली मिली हुई है इसमें आप अपनी हाथ पार कर रही है हद की बात तो तुम करो मत अपनी हाथ तो तुमने पार कर ही दी है ना मुझे नहीं पता कौन से हाथ की बात कर रही है बस मुझे अपनी भतीजी नेहा घर पर चाहिए ऑलराइट चुप एकदम चुप बढ़िया है बता दीजिए तरुण का है उसी के लिए अच्छा होगा वो नहीं जानता उसने क्या किया है नेहा अभी छोटी है उसे नेहा को समझाना चाहिए था ना कि उसका साथ देना चाहिए था नेहा अभी छोटी बच्ची है अगर छोटी बच्ची होती ना तो घर पर गुड्डे और गुड़ियों से खेल रही होती मेरे बेटे के साथ नहीं मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको मौका भी दिया पर आप नहीं मान अब जो होगा उसमें गलती मेरी नहीं आपकी होगी क्योंकि आप समझने के बदले चीजों को और बिगाड़ रही धमकी मुझे तुम धमकी दे रहे हो लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा याद रखना।
वो किसी ऐसे वैसे घर से नहीं है, वो मेरी भतीजी है। जो भी बोलिए ना, सोच समझ कर बोलिए। क्या बोले जा रही हो? हमारे नेहा के बारे में बोल रही है, पब्लिक के बारे में। बात उनके परिवार की, और अब वो वही करेंगे जो उनके परिवार के लिए ठीक होगा। चुप नहीं बैठेंगे वो। और बबली, बबली तो बचपन से इनकी लाडली है, उसके लिए कुछ भी करेंगे। गलती किसी की भी हो, नेहा की या तरुण की, पर एक बात साफ है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इस प्यार की सजा उन दोनों को नहीं मिलनी चाहिए। नेहा की भलाई में शायद वो तरुण के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे मिस्टर सिंह से बात करनी होगी, अब वही इस पूरी सिचुएशन को संभाल सकते हैं। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? मैं तरुण को फोन करती हूँ, उसे समझाती हूँ कि अभी के अभी घर वापस आ जाए। प्रज्ञा दी का कॉल था, फिर मैंने उठाया नहीं। घर पे सब बहुत टेंशन में होंगे। अभी भाई, मतलब तुम्हारे चाचू अभी तक हमारे घर पे ही है। अभी रिसेंटली किंग भाई और हबी भाई का रिलेशन थोड़ा ठीक हुआ था। अब मुझे लगता है कि हमारी रिलेशनशिप की वजह से उनका रिलेशन खराब ना हो जाए। I'm sorry, लेकिन मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं भाग गई थी तो मम्मा मेरी शादी करा देती। I want to live with you because I love you. I love you too, but sorry तरुण, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये सब ना मुझे समझ नहीं आ रही। कोई गलती नहीं है नेहा, तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं तुम्हें खुद भगा के लेके जाता। पर मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं होने देता नेहा। एंड यू आर राइट, हमारी वजह से किंग भाई और अभी भाई के बीच में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अभी अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, बट तुम मेरे साथ हो तो मुझे ना रास्ते की फिक्र है और ना ही मंजिल का इंतजार। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ नेहा। तरुण की कोई गलती नहीं है, अपनी भतीजी को संभाल नहीं पाए तो सारा इल्जाम मेरे बेटे पे लगा रहे हो। गलती तरुण की है, उसी ने गुमराह किया है नेहा को। नेहा भी बच्ची है। बच्ची है तो मेरा बेटा कौन सा बहुत बड़ा हो गया? इतना तो बड़ा हो गया ना कि उसे सही गलत की समझ है। अच्छे संस्कार दिए होते ना तो ये सब नहीं होता। एक मिनट, संस्कार की बात तुम मत करो। तुम कैसे बात कर रहे हो एक औरत से वो दिख रहा है, तो तुम्हारे घर की लड़की को क्या तमीज होगी? इससे ही बात करो ना, जिसके बेटे ने हमारी नेहा के साथ ये सब किया होता ना, उसे तो मैं क्या करते? बोलो, अरे जा खा रहे हो, मारोगे मुझे? अरे बोलो, क्या करोगे? फोन नहीं उठाया ना उसने। आपको किसने पता? उठाएगा भी किसे? वो जानता है ना कि वो गलत है। तुम मेरे बेटे के बारे में बात करना बंद करो, समझे? अपने बेटे के बारे में सोच लिया, आपने मेरे परिवार के बारे में सोचने की कोशिश की कि उन पर क्या बीतरी होगी, मिताली भाभी पर क्या गुजरी होगी। माँ है वो उस लड़की की, आपकी बेटी होती ना तो आपको पता चलता। नेहा अभी बच्ची है, ठीक से दुनिया नहीं देखी, अपनी दुनिया बसाने चली गई। जो गलती तरुण ने की है ना, उसकी सजा तो उसे मिलेगी, लेकिन अगर मुझे पता चला कि सब में किसी ने तरुण की हेल्प की है ना, तो मेरे लिए तरुण से बड़ा गुनहगार वो होगा और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो आदमी हो या औरत। बता दो अपनी चाची को कि मैं अपने परिवार से कितना प्यार करता हूँ। कोई अगर मेरे परिवार पर बुरी नजर डालता है ना या उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं उन्हें छोड़ता हूँ नहीं। मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ थी, आज मैं जो कुछ भी हूं ना अपनी दादी की वजह से हूं। जिस इंसान ने तुम्हें मेरी दुनिया में लाया था, तुमने उसे इस दुनिया से ही हटा दिया। निकल जाओ इससे पहले कि मुझसे कुछ हो जाए। गेट आउट। आप अगर गुस्से से देखेंगे तो सामने वाला इंसान आपको गलत ही लगेगा। आप प्लीज ठंडे दिमाग से एक बार सोचिए ना, सिचुएशन को समझिए। लोग गलत नहीं होते, हालात गलत होते हैं। प्लीज कुछ हदे ना इंसान अपने लिए खुद बनाता है और कुछ समाज। अगर इंसान अपनी हद में रहे ना तो पूरा वक्त भी उसका कुछ नहीं कर सकता। कोई हद किसी की जिंदगी से बड़ी तो नहीं होती। तुम्हारे कहने का मतलब क्या? मतलब उसका ये है कि तुम्हारी नेहा ने बहकाया है मेरे बेटे को उसको भगा ले जाने के लिए साथ ले। मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब कुछ भी हो, इसे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना, बस वही सच है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं भी बात नहीं करना चाहती। और तुम बात क्या करोगे? तुम्हारी हर बात का जवाब है मेरे पास। चाची जी, आप मुझे बात करने दीजिए ना प्लीज। उससे क्या बात करोगी? ये जब से उल्टा सीधा बोले जा रहा मुझे। एक मिनट, आप प्लीज थोड़ी देर चुप रहिए प्लीज। मैं क्यों चुप रहूं? इसे बोलो चुप रहने का। पचर पचर किए जा रही। मैं यहाँ पर ड्रामा देखने नहीं आया हूँ। कह देना किंग से कि जिस तरह तरुण नेहा को मेरे घर से ले गया था वापस उसी तरह छोड़ दे, वरना तरुण के साथ साथ किंग भी मुसीबत में पड़ेगा। आप प्लीज उन्हें इस सब में इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्यों?
ये घर किंग का ही ना जिसमें तरुण रहता है। जिस गाड़ी में तरुण नेहा को लेकर गया था वो गाड़ी भी तो किंग की थी ना। तो तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि किंग को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ, ना चाची को, ना मुझे, ना ही मिस्टर सिंह को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था किसी को। तुम इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकती हो? क्योंकि मैं इस सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अगर हमें पता होता कि वो लोग कहाँ हैं तो हम आपकी मदद करते ना। अगर नहीं पता तो पता लगाओ। मुझे नेहा अपने घर पर चाहिए, सही सलामत, वरना रख दिया मैंने। दिशा, ये बाम रुको पहले मेरे पास। हाँ, बस दो मिनट में। मैंने कहा रुको तो रुको, मेरे बोलने की कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं? क्या हो क्या? तुम इस घर के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना बंद करो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हें समझ नहीं आ रहा, किस भाषा में समझाऊं मैं तुम्हें? जब मिताली भाभी नेहा को समझा रही थी तुमने क्यों रोका उन्हें? तुम्हें उन्हें रोकना नहीं चाहिए था। आप गलत सोच, गलत हो या सही, एटलीस्ट सोच तो रहा हूँ। तुम्हारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। इल्जाम लगा है तुम पे नेहा को घर से भगाने का, इसका मतलब जानती हो तुम? तुमने किसी की बेटी को उसके घर से भगाया और वो ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि तुम उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करती हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है पूरब जी। मिताली भाभी ने सबके सामने नेहा को थप्पड़ मार दिया था। मैं समझती हूँ उनका हक है वो, पर सबके सामने चींटी को भी दबाओ तो वो पलट कर काटती है। नेहा तो इंसान है, पलट के थप्पड़ मार देती। नेहा की माँ कौन है, तुम या मिताली भाभी? मिताली भाभी। तो नेहा उन्हें पलट के जवाब दे, उन पे हाथ उठाए, तुम्हें क्या करना है? नेहा की माँ है, उसका अच्छा बुरा वो देखेंगी, तुम नहीं। वो अच्छा बुरा देख रही है पर सॉरी उसका प्यार नहीं देख पा रही। नेहा ने कितने बार भाभी को बताने की कोशिश की है कि वो तरुण से प्यार करती है, पर भाभी ने क्या किया? उसे समझने के बजाय वो उसे हॉस्टल भेज दिया उन्होंने, अपने प्यार से दूर। समझ नहीं आएगा, आप नहीं समझ रहे नेहा को। हम सबको समझना चाहिए नेहा को, वो प्यार करती है बेचारी तरुण से। हम उसे प्यार नहीं दे सकते तो उसके प्यार से उसे अलग क्यों कर रहे हैं? एटलीस्ट हम सब इस तरह से तो बिहेव ना करें कि उस बच्चे को ये लगने लगे कि उसके सगे उसके दुश्मन बन गए। मैं पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर रही, मैं प्यार के मामले में इन्वॉल्व हो रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपको कि आप भी कुछ बोले। आप भी तो मुझे मेरे घर से अपने घर लेकर आए थे ना, शादी करके। प्यार ही था ना आपका, तो फिर हमारा प्यार सही और उन दोनों बच्चों का प्यार गलत कैसे हो गया? तुम सुन नहीं रही हो, समझ नहीं रही हो, मुझे बोलने दो। अगर ये तुम्हारे या मेरे सगे घर वाले होते तो वो नेहा को लेके तुम्हारी फिक्र को समझते, तब उन्हें गलत नहीं लगता कि तुम नेहा की फिक्र क्यों कर रही हो। लेकिन ये हमारी फैमिली नहीं है, अगर बात उनके बच्चों पर आएगी तो तुम्हारी फिक्र उनके लिए तुम्हारी इंटरफेरेंस बन जाएगी। देखो, ये ना हमारा घर है ना हमारी फैमिली, यहां कुछ भी बोलना दूसरों के मामले में टांग अड़ाने जैसा होगा। उन्होंने साफ साफ तुम्हें बाहर वाला बोल दिया, अब इससे ज्यादा क्या सुनना है तुम्हें? मैंने बड़ी कोशिश की कि तुमसे बात ना करूं, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हारी तरह दोगुली नहीं हूं। मेरे दिल में जो होता है वही मेरे मुंह पे भी होता है। मैं किंग के साथ पहले नहीं रही, लेकिन अब रह रही हूं, और किंग ने मुझे माँ जैसी इज्जत दी है, और जब मुझे माँ जैसा दर्जा मिला है तो मैं माँ की जिम्मेदारी भी निभाऊंगी। किंग बहुत अच्छा इंसान है प्रज्ञा, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, मिस्टर सिंह के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तुम अगर उसके साथ नहीं होती तो मैं ऐसा सोच भी सकती। मतलब ये कि ये भोली भाली सूरत किसी को भी धोखा दे सकती है, और मैं भी इसी धोखे में थी जब तक तुम्हारी असलियत मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। आप कहना क्या चाहती? मैं ये कहने आई हूँ कि अभिषेक प्रेम मेहरा एक बदतमीज और सरफिरा किस्म का इंसान है। आप मेरे बारे में बात करने आई हैं या मिस्टर मेहरा के बारे? मैं यहाँ सिर्फ सच बोलने के लिए आई हूँ। वो बहुत ही घटिया और सरफिरा किस्म का इंसान है, जिसे ना बात करने की तमीज है ना बोलने का सलीका। फैमिली की बात करता है, अरे फैमिली के बारे में कुछ पता है उसे?
सड़क छाप गुंडे की तरह तो धमकी देता है। बहुत ही घटिया किस्म का। एक मिनट। आज जो कुछ भी हुआ उसके बेसिस पे आप उन पर राय मत बनाइए। आज वो बहुत गुस्से में थे। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है प्रज्ञा, बहुत बढ़िया। सच बोलना तो कोई तुमसे सीखे। मेरी एक छोटी सी बात बोली और तुम्हारे दिल का इतना बड़ा राज खुलकर सामने आ गया। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। मैंने अभी की थोड़ी सी बुराई क्या करती, तुम्हारे दिल का सारा प्यार निकल कर बाहर आ गया। अभी और तुम एक दूसरे को प्यार करते हो। पहले मैंने इस प्यार को देखा और अब तुम्हारे मुंह से सुन भी लिया। चाची जी, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है प्रज्ञा, मैं सब जानती हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा। उस दिन जब मैं मार्केट से वापस आई, मैंने देखा उसका हाथ तुम्हारे मुंह पर था। वो तो उस दिन मैं अचानक वापस आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या क्या होता। अगर आप उस दिन की बात कर रही हैं जब आटा गिर गया था, तो उसका जवाब है मेरे पास। ऐसा काम करने के बाद जवाब नहीं दिए जाते, सफाइयाँ दी जाती है, सफाइयाँ। लेकिन किसी का शक दूर करने के लिए सफाई देनी पड़ेगी ना। लेकिन मैं क्यों तुम्हारी सफाई सुनूं जब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। तो फिर बोल दो सब झूठ। तुम और अभी एक दूसरे के करीब नहीं थे उस दिन। अभी का हाथ तुम्हारे मुंह पर नहीं था। तुम्हारा और अभी का अफेयर नहीं चल रहा है। बोल दो कि तुम और अभी मिलकर किंग को धोखा नहीं दे रहे हो। बोल दो ना। जो आपने देखा वो गलत नहीं, लेकिन जो आप सोच रही है ना वो बिल्कुल गलत है। मैं मिस्टर सिंह को कोई धोखा नहीं दे रही। इनफैक्ट मैं उन्हें धोखा दे ही नहीं सकती क्योंकि हम दोनों की क्या। तो फिर बार बार अभी को घर क्यों बुलाती हो जब किंग घर पर नहीं होता है। हाँ, कभी आटा गिरने के बहाने, कभी आइस लगाने के बहाने। तुम दोनों, मैंने भी दुनिया देखी है, अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तुम और अभी मिलकर मुझे और किंग को बेवकूफ नहीं बना सकते, समझे। चाची जी, मैं अभी आपको कुछ नहीं समझा क्योंकि आप तो मान चुकी हैं कि मैं मिस्टर सिंह को धोखा दे रही हूँ। इसलिए मैं कुछ भी एक्सप्लेन करूंगी उसका कोई फायदा नहीं होगा। और इम्पोर्टेंट इस वक्त ये है कि हम तरुण के बारे में सोचें। मिस्टर मेहरा अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, जो इस वक्त तरुण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैं मानती हूँ तरुण और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस वक्त जो वो दोनों कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी है। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तरुण को ढूंढें इससे पहले कि मिस्टर मेहरा उसे ढूंढ ले। कह देना कि उसे कि जिस तरह तरुण नेहा को मेरे घर से ले गया था वापस उसी तरह छोड़ दे, वरना तरुण के साथ साथ किंग भी मुसीबत में पड़ जाएगा।